परिवर्तन हो, तन की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि मंत्रों से होती है। तन यदि अस्वस्थ होता है तो डॉक्टर के पास दवाई लेके ठीक हो जाता है। मन यदि अशांत होता है, मन में विकल्प चलते हैं, इसे एकाग्र करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता होती है। बिना मंत्रों के मन एकाग्र चित्त नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर हम इतने मंत्रों का जाप करते हैं, फिर भी मंत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर क्यों नहीं पड़ता है? ऐसा कहा जाता है, सिद्धो वर्ण समम नया, जितने भी अक्षर हैं वह सारे अक्षर ब्रह्मवाचक हैं। यह सारे अक्षर आपके मन से जुड़े हुए हैं। एक बार इन अक्षरों की शुद्धि हो जाए तो यह शुद्धि आपके मंत्रों की भी शुद्धि कर सकती है, आपके मन में भी एक मंत्र साधना का संचार कर सकती है। आज आप देखिए, हर धर्म में एक एक मंत्र हुआ करते हैं। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पावरफुल मंत्र नमो ओंकार मंत्र है। हिंदू धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मंत्र गायत्री मंत्र है। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही मंत्र है, एक ओंकार सतनाम। और ईसाई धर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर गॉड का नाम लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर धर्म में मंत्र साधना है। मंत्रों की साधना से ही आपकी मन की एकाग्रता बढ़ सकती है। कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो मंत्र एक माँ के द्वारा मिलते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु से मिलते हैं, कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। अब इसकी साधना के लिए सबसे पहले एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मंत्र को पढ़ना कैसे है, इसकी शुद्धिकरण किसी गुरु के पास बैठ कर के सबसे पहले आप करिए। जैसे आप नमोकार पढ़ते हैं तो नमोकार में आप कभी ओम नहीं लगाना। यदि आप नमोकार में ओम लगाते हो तो यह मंत्र अशुद्ध हो जाता है। नमोकार में यदि श्री लगाते हो तो भी यह मंत्र अशुद्ध हो जाता है। इस नमोकार में सिर्फ 35 अक्षर होते हैं। आप नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम नहीं सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, आयरियाणम नहीं नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सर्वसाहूणम। ये पांच पद वाला नमोकार महामंत्र है। कहीं नौ पद वाले स्वतमर समाज में पढ़े जाते हैं। येसु पंच नमो यारो सर्व पहव पणासनो मंगलानम च सर्वसिम परम हवई मंगलम। इस प्रकार से आप नमोकार मंत्र की शुद्ध भावना से साधना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पवित्र स्थान पर बैठिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आप इस महामंत्र का जाप करते जाइए। यह अपने आप में सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। 84 लाख मंत्रों का राजा है। आप विचार करिए, इस नमोकार मंत्र को 84 लाख मंत्रों का राजा क्यों कहा? इसलिए कहा है क्योंकि इस आत्मा ने 84 लाख योनियों का परिभ्रमण किया है। क्यों परिभ्रमण किया है? क्योंकि किसी भी भाव में उसे महामंत्र नमोकार नहीं मिला। एक बार किसी भी भाव में वह नमोकार मंत्र को सुन लेता या पढ़ लेता तो वह जीव 84 लाख योनियों के बंधन से छुटकारा पा लेता। इसलिए सबसे पावरफुल मंत्र नमोकार महामंत्र है। एक नाग नागिन को नमोकार सुनाया गया, वह नाग नागिन उसी क्षण धड़ेन्द्र पद्मावती हो जाया करते हैं। इसके बाद जब नमोकार मंत्र की साधना के प्रभाव से एक मेढक देवगति को प्राप्त हो जाता है, कुत्ता भी देवगति को प्राप्त हो जाता है, तो आप विचार कीजिए कि नमोकार मंत्र कितना पावरफुल और प्रभावशाली है। अपमान करने से भी नरक गति मिलती है, और सम्मान करने वाला वह अंजन चोर आणम ताणम कछु न जाणम सेठ वचन परमाणम। इस प्रकार से वह साधना करता चला गया और वह अंजन चोर से निरंजन हो गया।
इस प्रकार की यह महामंत्र की आराधना है, महामंत्र की साधना है। आपको अपने जीवन में कम से कम एक माला रोज फेरना चाहिए। जो नमो कार मंत्र की एक माला रोज फेरता है वह हर दिन किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लिया करता है। जब जब भी कोई गलती होती है उस समय प्रायश्चित के रूप में एकमात्र नमोकार मंत्र की जाप दी जाती है। यह मंत्र ही आपको पाप ताप संताप से छुटकारा दिला सकता है। पूरी आत्मीयता के साथ इस मंत्र की आप लोग साधना करें। यह बहुत पावरफुल और प्रभावशाली मंत्र है। हर संप्रदाय में इस महामंत्र का ध्यान किया जाता है और इस महामंत्र को आत्मसात किया जाता है। जब जब गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है उस गायत्री मंत्र में भी नमोकार की दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं। जब ओम बोला जाता है इस ओम के अंदर भी पांचों प्रविष्टि हैं। अ उ और मा अ से अरिहंत होते हैं, फिर आ से अशरीरी होते हैं, आ से आचार्य हो जाते हैं, उ से उपाध्याय हो जाते हैं, लास्ट में जो माँ है उससे मुनि हो जाते हैं। सबको जोड़ते हैं तो आ उ मिला के ओ हो जाता है और लास्ट में जो माँ है उसको जोड़ करके ओम हो जाता है। तो यहाँ गायत्री मंत्र में भी आप देखिए ओम भूर्भुवः स्वाहा। भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल की जो एनर्जी देता है भविष्य तीनों शक्तियों से जोड़ता है वह ओम दिव्य शक्ति है। इसकी भी एक विशेष रूप से आराधना होती है। हिंदू संप्रदाय के लोग इस मंत्र की विशेष रूप से साधना किया करते हैं और उन्हें विशेष फल प्राप्त हुआ करता है। इसके साथ आप सिख संप्रदाय में जाइए वहाँ पर भी विशेष मंत्र है एक ओंकार सतनाम। ओम शब्द यहाँ पर भी आया है। ओम शब्द ही एक सतनाम है। नमोकार की दिव्य शक्ति में जो ओम छपा हुआ है यह सतनाम है। इसके नाम के साथ ही हम सत आत्मा के परम तत्व को प्राप्त हो सकते हैं। ईसाई धर्म में जब गॉड का नाम दिया जाता है तो गॉड से भी ओम बना करता है। हर धर्म में ओम की दिव्य शक्ति है। जब मुस्लिम धर्म की बात करते हैं वहाँ पर भी देखिए 786 होता है। हिंदी में जब 786 लिखते हैं तो इसको मिलाएंगे तो पूरा ओम बनेगा। ऐसी भावना के साथ यह दिव्य शक्ति आपके बीच में है। मन की स्थिरता के लिए मन को एकाग्र करने के लिए मंत्र की साधना आप सदा करते रहें। यही मंत्र आपको परम गति की यात्रा करा सकता है। लेकिन इस मंत्र की साधना में अक्षर को ना ज़्यादा करना है ना कम करना है। ऐसा जैन आगम में कहा जाता है पुष्प दंत और भूत बलि दोनों की परीक्षा के लिए गुरु ने एक एक मंत्र दोनों को दिया। एक मंत्र में एक अक्षर कम था और एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा था। जब पुष्प दंत भूत बलि साधना करना प्रारंभ करते हैं उसी समय साधना की सिद्धि होने वाली है। उसी समय अशुद्ध मंत्र के प्रभाव से पुष्प दंत के सामने लंबे लंबे दांतों वाली देवी आके खड़ी हो जाती है और भूत बलि के सामने एक आँख वाली देवी आके खड़ी हो जाती है। पुष्प दंत भूत बलि ने सोचा देवियाँ तो सर्वांग से सुंदर हुआ करती हैं, यह कुरूप लेकर के सामने क्यों आई, कोई ना कोई हमारे मंत्र में गलती होना चाहिए। उसी समय पुष्प दंत ने जिसमें एक अक्षर ज़्यादा था उसको कम किया और भूत बलि ने जिसमें एक अक्षर कम था उसको पूरा किया और साधना करना प्रारंभ की। जब सही मंत्र की साधना की और इस साधना के प्रभाव से पुष्प दंत भूत बलि उस साधना में सार्थक हो गए, सिद्धि की प्राप्ति हो गई। मैं भी आज आपसे कहना चाहता हूँ कि मंत्रों का प्रभाव इस पंचम काल में भी पड़ सकता है। बस इस मंत्र को मानसिक जाप के साथ जपना प्रारंभ करें। इस नमोकार मंत्र को उंगलियां चला करके नहीं पढ़ें। लोग कहते हैं उंगलियां चलाने से ओम बनता है, बिल्कुल गलत। उंगलियां चलाने से नमोकार मंत्र का अपमान होता है क्योंकि आप नमोकार को उंगलियों पर चला रहे हो। उंगलियों को चलाने का मतलब इशारे पर चला रहे हो, इसलिए आप नमोकार को उंगलियों पर ना चलाएं। यह नमोकार मंत्र उंगलियों पर चलाने के लिए नहीं है। यह नमोकार मंत्र आत्मा के अंदर की शक्ति को जागृत करने का नाम है। तो आपके बॉडी के अंदर 9 पॉइंट होते हैं। पहली बार नमोकार मंत्र यहाँ पढ़िए, दूसरी बार नमोकार मंत्र यहाँ पढ़िए,
तीसरी बार नमुकार आँखों पर पढ़िए, चौथी बार नासिका पर पढ़िए, पांचवी बार मुँह पर पढ़िए, छठवीं बार कान पर पढ़िए, सातवीं बार गले पर पढ़िए, आठवीं बार हृदय पर पढ़िए, नौ नंबर नाभि पर पढ़िए। यह नमोकार मंत्र आपने किसे सुनाया? पहले आप भगवान के सामने खड़े होकर के नमोकार किसे सुना रहे थे? बोलो भगवान को, जैसे भगवान को नमोकार ही नहीं आता हो। तो अब हमें भगवान को नहीं सुनाना है, मूर्ति पर नमोकार पढ़ने से मूर्तियों में चमत्कार हो जाता है। जो स्वयं को नमोकार सुनाता है उसके जीवन में चमत्कार अपने आप घटित हो जाया करता है। तो नमोकार की साधना आपको स्वयं के लिए करना है, स्वयं की दिव्य शक्ति को जागृत करने के लिए करना है। तो जो 9 पॉइंट आपके बॉडी के अंदर हैं, हर दिन 9 पॉइंट पर नमोकार मंत्र का ध्यान करोगे तो यह शरीर अपने आप नमोकार महामंत्र से सिद्ध हो जाएगा। जो भी काम आपका रुकता है, परेशानी आपके जीवन में आती है, व्यापार में परेशानी आती है, परिवार में शांति है, सर्विस में परेशानी है और आपके बच्चों की पढ़ाई में परेशानी है, यदि हम इस नमोकार मंत्र की साधना आप साधना के साथ करते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानी अपने आप दूर हो सकती है। क्योंकि तन को रोकना बहुत आसान है लेकिन मन को रोकना बहुत मुश्किल काम है। इस मन को रोकना है तो बस एक बार महामंत्र नमोकार की साधना करें, आपका मन एकाग्रचित हो सकता है, आपका मन रुक सकता है। फिर जब आपका मन रुक सकता है तो आप एक नई शक्ति का संचार कर सकते हैं। जहाँ पर आप बैठ जाओगे वहाँ पर मन आपके साथ बैठ जाएगा। जो हम सोच रहे हैं मन में, वह सोचे हुए कार्य भी अपने आप पूरे हो सकते हैं। यह नमोकार मंत्र की दिव्य साधना का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। यह मन की शुद्धि का सबसे बड़ा प्रयोग है महामंत्र नमोकार। इसे कभी भी पढ़ सकते हैं। अपवित्राः पवित्रो वा सुस्थतो सुतोऽपि वा ध्यायेत् पञ्च नमस्कारं सर्व पापैः प्रमुच्यते। यह महामंत्र आप किसी भी अवस्था में किसी भी जगह पर बैठ करके ध्यान साधना में ला सकते हैं। इसी मंत्र से आप सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं। एषो पञ्च नमो यारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषिं परम हवई मंगलम। इस नमोकार मंत्र के जाप से ही आपके पाप ताप संताप का नाश हो सकता है। सर्व पाप प्रणाशनो, सभी पापों का नाश इस नमोकार महामंत्र के प्रभाव से होता है। एक अंजन चोर जीवन भर चोरी करता रहा लेकिन एक बार अंतिम समय नमोकार का पाठ करता रहा तो वह देखिए किस प्रकार के फल को प्राप्त किया। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सतत नमोकार मंत्र की साधना करें, आत्मीयता के साथ करें, पूरे मनोभाव के साथ करेंगे तो इनमें से आपके जीवन में दिव्य शक्ति का जागरण हो सकता है और जो आपने सोचा है वह कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मंत्रों की साधना से आप अपने मन के सारे कार्य को पूरा करेंगे और जीवन में दिव्य शक्ति का जागरण करेंगे। जब आपका अंतिम समय होगा शरीर आपका साथ छोड़ जाएगा लेकिन आपके मन के साथ मंत्र जाएगा। जिस भाव में आप जाओगे उस भाव में मंत्र आपके साथ जाएगा। यही मंत्र आपको मंत्रित करके एक दिन आत्म साधना के प्रति जागरूक करके सिद्ध शिला की यात्रा करा सकता है। तो आप सभी इस प्रकार से मंत्रों की साधना से आत्मसात हों, शुद्धता के साथ नमोकार मंत्र का महामंत्र का जाप करें। यही आपके जीवन के सबसे बड़े सूत्र हैं। इस सूत्र के साथ आप जुड़ेंगे तो ही आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है। प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः शिवाय।